मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मेरी बहुत किस्मत अच्छी है क्योंकि मैंने उनका रिहर्सल भी देखा. तो अभी तो बहुत मीडिया मेरे सामने खड़ी हुई थी और लोग सही थे, तो मैं बीच बीच में उनसे उनका परफॉर्मेंस देख रही थी. लेकिन मैं खुशकिस्मत ये हो गई मेरी कि मैंने उनको रिहर्सल करते हुए भी देखा. और जब मैं उनसे मिली, मैंने उनके बारे में फिल्म देखी और मैं कुछ आज यहाँ पर एंकरिंग भी करने वाली हूँ, उनके बारे में बात करने वाली हूँ. लेकिन जब मैंने साक्षात उनसे देखा, मैंने जाकर उनसे कहा कि मैम मैंने आपके बारे में पढ़ा सुना और मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ कैसे, तो उन्होंने जब मेरा हाथ पकड़ के कहा कि मैं आज भी सीखती हूँ, आज भी सीखने को बहुत कुछ है, मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखूंगी, तो मैं तो बिल्कुल लाजवाब हो गई, मैं चुप रह गई. बट उनका परफॉर्मेंस देखकर, जैसे कहते हैं कि ऐसे दिल खोलकर नाचो कि कोई ना देख रहा हो, तो आज उनका परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगता है कि वो हमेशा अपने लिए नाचते हैं. मेरे फिटनेस का ये राज है कि आजकल मैंने थोड़ा खाना कम किया है, वॉक शुरू किया है और अपने पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया और उम्र ने भी साथ दिया, तो मैं भी 99 की उम्र में ताओ की तरह थोड़ा सा भी अंश अगर कर पाई डांस तो वो करना चाहूँगी. नहीं, अभी तक मूवीज़ वालों ने मेरे टैलेंट को पहचाना नहीं है, कुछ एक ने पहचाना है लेकिन ज़्यादा नहीं. मैं अभी भी वेट कर रही हूँ कि ऐसा कोई धुआंधार रोल मेरे लिए लिखा जा रहा है जो फिल्म वालों को लगेगा कि सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ और वो मेरे पास दौड़े चले आएंगे और मैं तुरंत हाँ कर दूँगी. मैं ससुराल सिमर का ही पिछले 6.5 साल से चल रहा है, साथ में मेरा प्लेस चलते रहते हैं, आप जानते हैं मैं स्टेज से बहुत प्यार करती हूँ, तो इसीलिए मेरा नया प्ले शुरू होने वाला है लीलैंड दुबे के साथ, जो ट्विंकल खन्ना के कहानी के ऊपर निर्धारित है, सलाम लोनी आपा, तो वो मेरा नया प्रोजेक्ट है. थैंक यू सो मच. ताऊ से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ उनके बुक लॉन्च पर जब वो आई थी, और हमेशा जैसे ही वो डांस करते, जैसे कि मतलब एक अलग ही उत्सुकता हो जाती है, एक इंस्पिरेशन है वो खुद अपने आप में. और उनसे जितना मिलो, जितना बातें करो, आई थिंक शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस यंगस्टर्स, यंगर जनरेशन. तो मैं तो बहुत वेट कर रही थी जब मैं जाना, व्हेन आई केम टू नो शी इज़ कमिंग, तो आज मिलना बिल्कुल. हाय, मैं युवराज पाराशर, एंड ताओ से मिलना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. एंड आज मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा, 99 ईयर ओल्ड उस एज पे इस फुर्ति के साथ डांस करना, योगा करना, आई मीन ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है. और वो तोहफा है ऊपर वाले का. आज मैं बहुत ज़्यादा मतलब लकी समझ रहा हूँ अपने आप को कि मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा. एंड क्रेडिट आई विल गिव टू संदीप सुपारकर जिन्होंने ये पॉसिबल किया, इवेंट पॉसिबल हुआ है. सो आई एम फीलिंग ग्रेट. बहुत ही, वो तो बहुत ही फिट है और हमारे लिए एक एग्जांपल हो जाता है, क्योंकि हम उनके एज तक पता नहीं हमारी हेल्थ कैसी होगी, मेंटल स्टेट कैसी होगी, भी रहेंगे कि नहीं. बट शी ट्रूली इज एन इंस्पिरेशन इन वेरियस वेज, क्योंकि वो आज भी हाई हील्स पहनकर डांस करती हैं और हाई हील्स पहन को वो माउंटेन क्लाइंबिंग भी करती हैं. और कहीं ना कहीं उनसे अगर आप बात करो तो उनको ऐसा लगता है कि वो कल पर नहीं जीती, वो टुमारो पर जीती हैं, आज और टुमारो, नॉट यस्टरडे. कहीं ना कहीं मुझे ताओ ने बहुत इंस्पायर किया जब मैं उनसे लास्ट टाइम मिली थी, और उन्होंने कहा था कि बेसिकली योर फ्रेम ऑफ माइंड और योगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए. एंड आपका इतना लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक होता है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक योगा इज़ वेरी वेरी एसेंशियल एंड डांस इज़ वेरी एसेंशियल. और थैंक्स टू संदीप सुपारकर हुज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, जिसके लिए मैं डांस कंटिन्यू कर रही हूँ, एंड ही ऑर्गेनाइज दीज वंडरफुल इवेंट्स, सो थैंक यू टू हिम. ये मेरा डांस कंटिन्यू हो रहा है और मैं साउथ में ज़्यादा काम कर रही हूँ. थैंक यू.